is the new RR310 BS6 model. तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ TVS के शोरूम, जहाँ पे BS6 मॉडल RR310 का मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप मोड्स चेक आउट कर सकते हैं, चार मोड यहाँ पे दिए गए हैं और काफ़ी ऐसे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि काफ़ी सारे बटन्स आपको देखने के लिए मिलते थे, अब वो एक ही में अटैच कर दिए गए हैं। जो सारे चेंजेस हैं वो मुझे पता तो है, पर मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ एग्जीक्यूटिव को और वो अच्छे से इसे समझाएंगे। तो मेरे पास जो BS4 RR310 है वो सेम यही लुक में है, पर और क्या चेंज हुआ है ये जानते हैं। दो नॉर्मल मोड्स हैं, दो रेसिंग मोड्स हैं। फर्स्ट अर्बन से चालू होता है, अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक। चारों मोड्स में आपके परफॉर्मेंस डिफरेंस रहेंगे। सिंगल इंजन आपको चार मोड्स में चार परफॉर्मेंस देगा। चारों मोड में मतलब अलग अलग परफॉर्मेंस मिलेगी बाइक की? हाँ बिल्कुल, इंजन अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, अलग तरीके से इन्फॉर्म करेगा और इंजन के साथ ABS भी अलग तरीके से करेगा। ओके, है ना। पहले आप इसमें RLWL था, यानी रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन था, तो आप लिफ्ट नहीं कर सकते थे, व्हील या नहीं सब नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब वो कर पाएंगे आप। ओके, ये चेंजेस हैं बेसिकली, बाकी इंजन वही सेम। जो दो तीन नई चीज़ें हैं, राइट बाय वायर है, आपका एक्सलेटर वायर नहीं है इसमें। एक्सलेटर वायर नहीं है, टोटल सेंसर बेस्ड आपका हो गया है। और GTT इसमें ऐड ऑन कर दिया है, गाइड थ्रू ट्रैफिक, यानी नॉर्मल से आपको ये नॉर्मल मोड में कार में पीछे मिलता है। जब भी आप गियर चेंज करते हैं तो आप एक्सलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो चलती रहती है। सेम ये भी हो गया है इसमें, आपको हर गियर में एक लिमिट स्पीड है, अगर आप टोटल नहीं भी लेते हो तो वो चलता रहेगी। और कितनी स्पीड में चलेगा मिनिमम? सर वो हर गियर का अपना है। अच्छा, जिस गियर पे रखेंगे उस हिसाब से। फर्स्ट सिक्स्थ गियर में मैक्सिमम स्पीड आपको जो देगा वो 36। और ये क्या किलर स्विच, क्या ये इसका क्या फंक्शन है? चेंज कर दिया है, पहले ये स्विच अलग होता था, इंजन कूलिंग स्विच यहाँ होता था और यहाँ पे होता था, अब एक ही स्विच से ये काम कर दिया है आपको। ओके, दोनों चीज एक ही में दे दिया मतलब यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ओके, दो नहीं करना है। प्लस ये आपका ये चेंज कर दिया है, अपर बीम और लोअर बीम आपका, आपको यहीं से उठाने से अपर बीम हो जाएगा, यहीं से लोअर हो जाएगा, अलग से स्विच हटा दिया है। हटा दिया। हैजार्ड लैंप भी आपको यहाँ दे दिया, पहले मीटर कंट्रोल में लगा रहता था। बिल्कुल, वो प्रेस करने में प्रेस करने पे अब इसको आप यहीं से कर सकते हो। ये चीज़ अच्छा हो गया, नहीं उसमें बहुत दिक्कत होती थी, प्रेस वहाँ पे करो वो। और क्या क्या कुछ रेट कितना बड़ा है इसका? इसका आपका अभी आ रहा है 293,000। 293, पहले 260 था, पहले 268 था सर, इससे पहले वाला जो स्लीपर। अच्छा, क्लच के साथ, आ गया था। आप मोड अगर देखना है तो यहाँ से जाके राइडिंग मोड देख सकते हैं, चार मोड से, अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक, लेकिन ये दोनों लॉक्ड हैं। ओके, आप इन दोनों को 1000 किलोमीटर रनिंग के बाद, फिर रनिंग के बाद ओपन होंगे, लेकिन आपको सर्विस सेंटर लाना होगा। ओके, सर्विस सेंटर में उसको लॉक को, वो तो सर्विस होगा तो वो साथ में अनलॉक कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे जैसे हाई एंड्स में है, एम्बियंट में आप देखोगे उसमें बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं कि दो मोड्स मत ओपन करो। हाँ, वो भी ऑप्शन है, अगर आप अच्छा चाहोगे, अगर सिटी में राइड करना सिर्फ तो नहीं चाह रहे तो करा सकते। आपको चार लेकर तो रखने डे लाइट के हिसाब से, ये ब्राइटनेस नाइट या तो आप ऑटो कर सकते हैं, यानी वो यहाँ पे सेंसर है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। अगर आपको मैनुअल करना है तो आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते। तो आपने जाना BS6 अपाचे RR310 में जो भी बदलाव किए गए हैं, साथ ही साथ आपको ब्लैक कलर में बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब इस तरह से रेड, ग्रे और ब्लैक कलर का प्रिंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जुड़े